हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। पावर डोज की दूसरी डोज, जी हां, सेकेंड डोज आप लोगों के लिए हो रही है आज। और इसमें भी पांच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्ड आंसर्स के साथ में, जिससे आपको अपनी तैयारी कैसी चल रही है, नहीं चल रही है, अच्छी है या बुरी है, उसको जांचने का सुपर मौका मिलने वाला है। जो लोग मैनेजमेंट एंड जो लोग कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे लक्ष्य अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, डेफिनेटली ज्वाइन करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर नोट्स आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो जिनको भी प्रॉपर नोट्स चाहिए, पेपर वन का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, या फिर आप पीजीटी के रिगार्डिंग में ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, मतलब टीचर आपका एक बनने का सपना है, तो डेफिनेटली आप हमारे लक्ष्य अकेडमी स्टोर में विजिट करें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाइए उसको विजिट कीजिए एंड चेकआउट कीजिए। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पांच क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिया है पहली पावर डोज में। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सेक्शन 40, 55 एंड 62। स्टूडेंट्स आर 40, 55 एंड 50। बोला जा रहा है कि 45, 55 और 62 छात्रों वाले, जो हमारे स्टूडेंट्स वाले जो कम्स थे, उसमें हमारे 40, 55 और 50 औसत अंक उनको मिल रहा है। तो हमें बताना है कि एवरेज मार्क्स क्या होगा सेक्शनल कंबाइंड करने पर। यार करना कुछ नहीं है, ये 40 और ये 40 को मल्टीप्लाई करो, ये 55 और ये 55 को मल्टीप्लाई करो, ये 62 और ये 50 को मल्टीप्लाई करो, एंड क्या करना है उसके बाद, इनको डिवीजन दे देना है उन्हीं के टोटल नंबर से। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे अगर आप कंबाइंड करते हो, देख लो मल्टीप्लाई करने के बाद। मैं मल्टीप्लाई करके ले आया हूं ताकि टाइम बच सके हमारा। टोटल हो गए 7725। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने इसको सेक्शन वाइज एवरेज निकालनी है, तो हमने 40, 55 और 62 जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास, हमने उसे डिवीजन दे दिया। 49.2 हमारा आंसर आ गया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर भी था, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस कर लिया आपके लिए ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि टाइम इज मनी, तो टाइम बचाओ और सक्सेस पाओ। चलो अगला, Which of the following stock exchange has its index name as Sensex? अच्छा, Sensex किस index का नाम है? बच्चों वाला question है, लेकिन काफी effective है क्योंकि exam में पूछा गया already है। BSE Bombay Stock Exchange इसका ही ये नाम है। Sensex यहाँ पर आप देख सकते हैं, S&P BSE इंडेक्स, जो BSE सेंसस इंडेक्स है, वो उसका जो बेंचमार्क है उसको बोला गया है BSE, एंड नॉर्मली इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम लोग सेंसेक्स भी बोलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी याद रखनी, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, सो डोंट वरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन टू सेल एंड बाय, क्या बोला जा रहा है, सेल एंड बाय शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज में आपको सेल एंड बाय करना है विदाउट ओपनिंग अ ब्रोकरेज या डीमेट अकाउंट। अगर आपको बिना कोई डीमेट अकाउंट या कोई ब्रोकरेज फर्म्स ब्रोकरेज खोले हुए आपको फॉरेन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बाय एंड सेल करने हैं, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, SDR, IDR, ZDR या फिर EDR? ये चारों के चारों आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IB का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है। राइट नाउ आपका आंसर है ZDR, एंड ZDR अगर अच्छे से बोला जाए क्या है, तो ये एक हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि अब्रॉड में ऑथराइज्ड ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज के अगेंस्ट में काम करती है, जो कि उनके शेयर एंड बॉन्ड्स को इंडियन कंपनी के साथ कैसे सेल कर सकते हैं, यहाँ के डोमेस्टिक जो बैंक है उनके साथ मर्ज करके किस तरह से अपने आप को सेल आउट करती है, उसमें ये हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ZDR, राइट? ये ध्यान देंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टीम्स हैं, इसको याद रखना है आपको। ऑइलगोपॉली रेफर्स टू, ऑइलगोपॉली किसको रेफर करती है? इकोनॉमिक का बेसिक क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला, मतलब आज का सेशन आप ध्यान से देखो, हमने एकदम लिटरली बच्चों वाला क्वेश्चन रखा है। तो कुछ सेशन, कुछ पावर डोज आपके लिए एकदम बच्चों वाले होंगे, बेबी क्वेश्चंस होंगे, एंड कुछ ऐसे होंगे जो लिटरली आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एग्जाम में 30% क्वेश्चंस एकदम ईजी होते हैं, तो 30% क्वेश्चंस भी हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे।
फ्यू सेलर एंड मेनी बायर्स, ये होते हैं ऑलिगोपॉली। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे बढ़िया है, जहां पर वन सेलर हो वो हमारा मोनोपोली होता है, जहां पर वन बायर हो वो मोनोपोजी होता है, जहां पर फ्यू सेलर हो वो ऑलिगोपॉली होता है, जहां पर फ्यू बायर हो वो ऑलिगोपॉसी होता है। तो ये चार चीजें भी आप याद रखोगे, यहां पर लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके लिए डिस्कस कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्पीड या फिर इंटेंसिटी। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो इन्फ्लेशन के स्पीड के बेस्ड पर नहीं है, मतलब इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग में बदलाव नहीं कर रहा है। रैपिड इन्फ्लेशन, भाई ये तो करेगा, रनअवे इन्फ्लेशन ये भी करेगा, लो इन्फ्लेशन ये भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग में है, लेकिन कोस्ट प्लस इन्फ्लेशन बेसिकली ये इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में नहीं काम करता है, ये वर्क करता है ओवरऑल इंक्रीज ऑफ द प्राइस, जो कि कहीं ना कहीं वेजेस और रॉ मटेरियल के प्राइस में बढ़ने या घटने की वजह से हुआ है। ये किसको देखता है? ओवरऑल प्राइस में आपकी कमी या फिर जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखता है। एंड अल्टीमेटली ये किसके वजह से बढ़ रहा है? वेजेस में और रॉ मटेरियल में जो बड़ा जो प्राइस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, उनके अकॉर्डिंग में इसकी प्राइस बढ़ी है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। तो कोस्ट प्लस इन्फ्लेशन इज अ राइट आंसर। सो ये तो थे हमारे पांच क्वेश्चंस। पांच में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताना है। और आज का सेशन काफी छोटा रहा, इसीलिए पावर डोज है, 5 से 10 मिनट का वीडियो आपके लिए होगा, जो कि आपको डेफिनेटली स्टडी करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक एकेडमिक स्टोर विजिट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डेफिनेटली विजिट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सभी लोगों को राधे राधे।